Hare Krishna and good morning all of you. Students, today I am going to teach you the remaining packet size of third lesson of English 1, Unity is Strength. Previous class में हमने इसका question and answers तक solve करा था. आज इसकी जो remaining packet size है वो आज हम देखेंगे. The next exercise of this lesson is grammar workshop. इसमें हम grammar से related exercise करेंगे and the topic of grammar portion is prepositions. Prepositions से related हम exercise करेंगे. ठीक है. अब प्रीपोजिशन क्या होते हैं? वर्ड्स लाइक इन, इनटू, टू, अमंग, बिफोर, नियर एंड बिसाइड दैट शो द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशन किनको बोलते हैं? वर्ड्स दैट शोज द रिलेशन, दैट शो द रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस आर कॉल्ड प्रीपोजिशन. अभी सेंटेंस में हम देखते हैं, मदर इज रिटर्न्ड फ्रॉम हर ऑफिस. इसका मीनिंग हुआ मदर वापस आ गई हैं फ्रॉम हर ऑफिस, उनके ऑफिस से. तो यहां पर ये मदर हैज रिटर्न मीन्स इस चीज का रिलेशन ऑफिस से बताने के लिए फ्रॉम वर्ड का यहां पर यूज हुआ है. ठीक है, जो कि एक प्रीपोजिशन होगा. नेक्स्ट सेंटेंस, ही सैट बिटवीन हिज ब्रदर एंड सिस्टर. ही सैट मीन्स वो बैठा बीच में, उसके ब्रदर और सिस्टर के बीच में बैठा. तो यहां पर इस ही का रिलेशन सेंटेंस के दूसरे वर्ड से बताने के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है? बिटवीन. तो ये एक प्रीपोजिशन है. ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द बॉक्स. यहां पर कुछ प्रीपोजिशन वर्ड्स दिए हुए हैं एंड वी हैव टू फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द ब्लैंक. वर्ड्स आर बाय, बिहाइंड, एट, अंडर, ऑन एंड विद. बाय मीन्स होता है द्वारा, के द्वारा. ओके, बिहाइंड मीन्स होता है पीछे, एट मीन्स होता है पर, अंडर मीन्स होता है नीचे, ऑन मतलब होता है के ऊपर, और विद मीन्स होता है साथ में. ठीक है, अब हम करेक्ट प्रीपोजिशन वर्ड को यहाँ पर फिल करेंगे. डू नॉट थ्रो स्टोन्स डैश एनिमल्स. एनिमल्स पर स्टोन मत फेंको. डू नॉट थ्रो स्टोन्स एट एनिमल्स. ठीक है, नेक्स्ट द शाई चाइल्ड हिट डैश हर मदर. शाई मीन्स शर्मीला बच्चा, हिट मीन्स छुप गया, डैश हर मदर, बिहाइंड हर मदर. लिख सकते हैं हम यहाँ पर बिहाइंड हर मदर. ओके, द लेटर दैट केम इन टूडेज पोस्ट इज डैश द टेबल. वो लेटर जो कि आज की पोस्ट में आया है वो कहां पर है? ऑन द टेबल. वो टेबल पर रखा है, टेबल के ऊपर रखा है, ऑन द टेबल. ओके, हिना वॉज वियरिंग अ ब्लू टॉप विद डैश अ पेयर ऑफ जीन्स. हिना ने पहना हुआ था एक ब्लू टॉप पहना हुआ था, डैश अ पेयर ऑफ जीन्स विद अ पेयर ऑफ जीन्स. जीन्स के एक पेयर के साथ में उसने, जीन्स के साथ में, सॉरी, जीन्स के साथ में उसने ब्लू टॉप पहना हुआ था. ओके, नेक्स्ट वी विल बी गोइंग टू मुंबई डैश ट्रेन. हम ट्रेन से मुंबई जा रहे हैं, ट्रेन के द्वारा मुंबई जा रहे हैं. सो वी विल बी गोइंग टू मुंबई बाय ट्रेन. ओके, नेक्स्ट आई फाउंड माई शूज डैश द बेड. मेरे को मेरे शूज कहाँ पर मिले? अंडर द बेड. मेरे को मेरे शूज अंडर द बेड मिले. तो इस तरह से प्रीपोजिशन भी जो होता है वो हमको, जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं हमको समझ में आता है कि अच्छा यहाँ पर कौन सा वर्ड करेक्ट होगा, उस किस वर्ड का मीनिंग करेक्ट आएगा. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी आप रफ कॉपी में सॉल्व करिए. उसके बाद है नेक्स्ट एक्सरसाइज, द वर्ड इन द वोकैबुलरी है यहाँ पर. द वर्ड इन द ग्रिड बिलो हैव समथिंग टू डू विद फ्लाइंग. पुट द वर्ड्स इनटू द करेक्ट कॉलम्स इन द टेबल गिवन बिलो द ग्रिड. यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उन सारे वर्ड्स का मीनिंग कुछ फ्लाई से रिलेटेड, मतलब तो उड़ने वाली है ये सारी चीजें. अब यहाँ पर ये वर्ड्स दिए हुए हैं, सेम नेक्स्ट पेज पर भी यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. ठीक है, अब यहाँ पर मैन मेड थिंग्स मतलब जो जोड़ने वाली चीजें जो आदमियों ने बनाई है वो हमको यहाँ पर मेंशन करनी है. थिंग्स इन नेचर, जो नेचर नेचुरल है जो चीजें वो यहाँ पर मेंशन करेंगे. एंड फ्रॉम माइथोलॉजिकल स्टोरीज मीन्स आपने जैसे वो रामायण महाभारत देखा, उसमें कुछ ऐसी उड़ने वाली जैसे विमान हुआ करते थे, उनके भी नेम है यहाँ पर, तो वो हम इसमें लिखेंगे. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे फर्स्ट वन इज पैराशूट. पैराशूट क्या है? मैनमेड है, एक थिंग उड़ने वाली चीज है, बट ये मैनमेड है, ये नेचुरल नहीं है, ना ही ये कोई उसमें माइथोलॉजिकल स्टोरीज में थी, ये मैनमेड थिंग है. तो हम इसको किस कॉलम में लिखेंगे? मैनमेड थिंग में, पैराशूट. सेकेंड इज सुपरमैन. सुपरमैन एक माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, जैसे आपने देखा होगा टीवी में ऐसी स्टोरीज आती है, सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन ऐसे होते हैं कैरेक्टर्स, तो ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज से है. मॉस्किटो ये मैनमेड नहीं है, ना ही ये नेचुरल है, ये सुपरमैन. ओके, ये स्टोरीज में हमने इस कैरेक्टर को देखा है. मॉस्किटो दिस इज अ नेचुरल थिंग. मॉस्किटो मच्छर तो नेचुरल चीज है ना, आदमी की बनाई हुई भी नहीं है और ना ही ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज से है. ओके, फ्लाइंग कारपेट, ये भी एक उड़ने वाला कारपेट, ये आपने किसी स्टोरीज में पढ़ा होगा, कॉमेडी, सॉरी जो होती है ना
आप जो स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं उनमें इस तरह से फ्लाइंग कारपेट मीन्स उड़ने वाला कारपेट, उड़ने वाला झाड़ू, ऐसा भी आपने समझा पढ़ा होगा कहीं. सो फ्लाइंग कारपेट इज अ स्ट्रॉ माइथोलॉजिकल स्टोरीज. ओके, हैंग ग्लाइडर. हैंग ग्लाइडर जैसा एक ग्लाइडर होता है उससे आदमी मतलब उड़ते हैं ऊपर में, ये भी एक मैन मेड थिंग है. हनुमान माइथोलॉजिकल स्टोरीज से. क्लाउड्स नेचुरल चीज है, क्लाउड मीन्स बादल. हेलीकॉप्टर इज अ मैन मेड थिंग. नेक्स्ट बटरफ्लाई इज अ नेचुरल थिंग. एरोप्लेन मैन मेड. रॉकेट मैन मेड. बूमरैंग इज ऑल्सो मैन मेड थिंग. बूमरैंग इज अ काइंड ऑफ डिस्क, एक तरह की सर्कुलर डिस्क होती है जिसको जब एक स्पोर्ट्स में यूज कर जाता है इसको. ठीक है, गरुड़ ये माइथोलॉजिकल स्टोरी से आपने गरुड़ विमान के बारे में सुना होगा. फ्लाइंग सॉसर इज मैन मेड थिंग. एंजल्स माइथोलॉजिकल स्टोरी से. बर्ड्स नेचुरल. काइट इज मैन मेड थिंग. ब्रूम स्टिक इज ऑल्सो मैन मेड थिंग. पुष्पक विमान इज माइथोलॉजिकल स्टोरी से है ये. एंड हॉट एयर बलून इज ऑल्सो अ मैन मेड थिंग. ओके, सो इस तरह से हमको ये समझना है कि कौन सी मैनमेड थिंग्स है, कौन सी नेचुरल थिंग्स है, कौन से जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है दे आर फ्रॉम माइथोलॉजिकल स्टोरीज. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज क्रिएटिव राइटिंग. क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है कि हमको अपने मन से सोच कर कुछ लिखना होता है. कुछ आपको एक सब्जेक्ट दिया होता है, कुछ टॉपिक दिया होता है कि उससे रिलेटेड आपको कुछ लिखना है. अब इसमें देखेंगे क्या करना है, मेक सेंटेंसेस. क्रिएटिव राइटिंग में आपको वर्ड्स कुछ दिए हुए हैं जिनके थ्रू आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं. ठीक है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक अ सेंटेंस फॉर ईच. आपको आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं एंड देन इन वर्ड्स से आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं. ओके, फर्स्ट वन इज व्हीट. व्हीट मीन्स क्या होता है, गेहूं. इससे हम सेंटेंस बनाएंगे, व्हीट इज अ वाइडली यूज्ड ग्रेन. व्हीट काफी वाइडली यूज्ड मीन्स काफी लोगों के द्वारा यूज किया जाने वाला एक अनाज है. आप कुछ और भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, सेकेंड स्ट्रेंथ मीन्स होता है ताकत. हेल्दी फूड गिव्स अस स्ट्रेंथ. हेल्दी फूड हमें ताकत देता है. ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जैसे पिजन्स, फ्रेंड, काइंडनेस, अफ्रेड, ये फोर वर्ड्स से सेंटेंसेस आपको फॉर्म करने हैं. पिजन्स मीन्स होता है कबूतर, फ्रेंड मीन्स दोस्त, काइंडनेस मीन्स दयालुता एंड अफ्रेड मीन्स डर. ठीक है, अब आप इनसे सेंटेंस फॉर्म करिएगा. एंड नेक्स्ट टू वर्ड्स हैं जिसे भी मैं बता दे रही हूँ आपको, जैसे डेंजर. ड्राइविंग वेरी फास्ट इज फुल ऑफ डेंजर. बहुत तेज ड्राइव करना खतरे से भरा होता है, काफी खतरनाक होता है. बहुत तेज, इफ यू आर ड्राइविंग वेरी फास्ट देन इट इज फुल ऑफ डेंजर. ओके, रिक्वेस्टेड, शी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर. उसने मेरे से रिक्वेस्ट करी, प्रार्थना करी टू गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर, कि मैं उसको एक पानी का एक ग्लास दे दूं. उसने मेरे से रिक्वेस्ट करा. आप कुछ भी सेंटेंस स्टूडेंट्स फॉर्म कर सकते हैं इन वर्ड्स को यूज करके, बट सेंटेंस शुड बी करेक्ट. ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जो फोर वर्ड्स है उनसे सेंटेंसेस आपको फॉर्म करने हैं. ओके, नाउ द लास्ट वन पॉइंट ऑफ दिस लेसन इज स्टोरी टेलिंग. स्टोरी टेलिंग मॉरल मीन्स हमको इस मॉरल मीन्स होता है कहानी, शिक्षा. इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है. राइट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स. आपको इस स्टोरी का मॉरल अपने वर्ड्स में लिखना है. जैसे मैं आपको आंसर शीट से बताती हूँ, दिस स्टोरी प्रूव्स दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ. ये स्टोरी प्रूव करती है, सिद्ध करती है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, कि एकता में ताकत है. वी कैन डू एनीथिंग इफ वी आर यूनाइटेड. अगर हम यूनाइटेड है, एक है, तो वी कैन डू एनीथिंग. आप अपने वर्ड्स में कुछ और भी इस स्टोरी से अगर आपको समझ में आता है कि इसमें ये मॉरल मिलता है हमको, सो यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स. ओके, so our third chapter has also been completed. All of you have to do all these exercises in your rough copy, or as I told you that if you have any spare copy then you can do the work in that copy also. Okay, so do the work and submit me on time. That's all for today. Thank you all of you and take care.